बाबर आजम के वालिद साहब आजम सिद्दीक ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। ये आप लोगों की वजह से हुआ है, ये आप लोग कसूरवार हैं इस चीज के। आप लोगों ने एक बाप का, हमारे नेशनल टीम कैप्टन के बाप का दिल दुखाया है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो अननेसेसरी क्रिटिसिज्म कर रहे थे, जो क्रिटिसिज्म फॉर द सेफ ऑफ डिस्ट्रक्शन कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि बाबर आजम जो उनकी कप्तानी जाए, जो चाह रहे थे कि हम तनकीद करें ताकि ये टीम अलग हो जाए, ये जो यूनिट है ये अलग हो जाए, ये टीम हारना शुरू हो जाए। मुबारक हो आप सबको, आप लोग कामयाब हो गए। वो मीडिया वाले कामयाब हो गए जो मुहिम चलाते थे, कैंपेन चलाते थे, एजेंडा चलाते थे बाबर के खिलाफ। आज उनके वालिद साहब ने डीएक्टिवेट कर दिया अपने इंस्टा अकाउंट, दिल बर्दाश्त होके। एक बाप का दिल दुखाया आपने, आपको तो अल्लाह भी शायद माफ ना करे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि उनको इतना इमोशनल, इतना डिप्रेस कर दिया कि उन्होंने आखिर डीएक्टिवेट कर दिया अपना इंस्टा अकाउंट। वो बाप जब मैच पाकिस्तान हारता था तो वो बाप, बाबर आजम का बाप, आपको उठाता था, आपका कॉन्फिडेंस उठाता था, आप लोगों का कद बड़ा करता था, इमोशनल था, लेकिन वो सच लिखता था। एक एक चीज उसने मोटिवेट करने के लिए पाकिस्तान कौम को, नेशन को लिखी। जब पाकिस्तान 2021 का टी20 वर्ल्ड कप हारा, 22 का एशिया कप हारा, 22 में पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप हारा, बाबर आजम के वालिद साहब आजम सिद्दीक ने आप लोगों को उठाया, लेकिन आज वो उठाने के लिए भी नहीं है वहां पर, क्योंकि आप लोगों ने उसका दिल बर्दाश्त करके अकाउंट डीएक्टिवेट करवा दिया। ये आप लोग कसूरवार हैं इस चीज के। मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान फैंस, आप किस तरह के फैंस हैं कि आपको अपनी टीम की जो हार है वो बर्दाश्त नहीं है। जीत में, सुख में सिर्फ आप साथ देते हैं टीम का, दुख में क्यों नहीं साथ देते? किस तरह के फैंस हो, क्या मौसमी फैंस हो, सीजनल फैंस हो, खुशी में सिर्फ फैन हो? लाइफ में भी आपको खुशी और गमी दोनों में साथ देना होता है अपनों का, लेकिन आप लोगों ने तो तन्हा छोड़ दिया बाबर को, तन्हा छोड़ दिया बाबर के वालिद साहब को, तन्हा छोड़ दिया इस पाकिस्तान टीम को। आप तो ओन ही नहीं कर रहे शाहीन अफरीदी को, आप कह रहे हो शाहीन वो बॉलर ही नहीं है जो पहले था, आप ओन ही नहीं कर रहे हारिस को, ओन ही नहीं कर रहे हो रिजवान को, इमाम को, फखर को, यही सुपरस्टार से 2 साल पहले आप जान छिड़कते थे इन पे, इनको ओन करते थे, आज आपने इनको छोड़ दिया क्योंकि ये लोग हारना शुरू हो गए। एक मैच हार इंडिया से जो हुई है के बाद आप लोग इनको देख नहीं रहे हो, आप लोग कह रहे हो ये पाकिस्तान के प्लेयर्स ही नहीं है, ये जान नहीं मारते। किस तरह के कौम के लोग हो आप? पाकिस्तानी कौम ऐसी नहीं है, हमारी नेशन तो है, लड़ती है, एंड पे अपनी टीम के साथ रहती है, टीम का साथ नहीं छोड़ती, हर हालत में, मुश्किल में, सुख में, दुख में साथ देती है। आप लोग क्या कर रहे हो? ये वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, वर्ल्ड कप के 6 मैचेस मिनिमम आपने खेलने हैं लीग स्टेज में, फिर सेमीफाइनल और फाइनल खेलना है। 19 नवंबर को इंडिया को ही हराना है, अहमदाबाद में जीतना है वर्ल्ड कप। यार कमेंट करके बताएं कौन साथ है बाबर आजम के, कौन साथ है पाकिस्तान टीम के, कौन अभी भी हिम्मत रख रहा है और अभी भी आस लगा रहा है, उम्मीद लगा के पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतेगा, पाकिस्तान टर्न अराउंड करेगा, कौन है टाइगर्स के साथ लड़ेगा जैसे लड़ता है, जैसे 92 का वर्ल्ड कप जीता था, वापस आएंगे, जीतेंगे, जज्बा रखें, जुनून रखें। क्यों हिम्मत हार रहे हैं? क्यों आप इतना ट्रोल करते हैं डीएम्स में मैसेजेस करके प्लेयर्स को, प्लेयर्स के वालिदैन को? क्या कर रहे हो? ये आप लोग ना करो, प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस शैटर ना करो, प्लेयर्स के वालिदैन को, उनके भाई बहनों को डिप्रेस ना करो। ये उठने का टाइम है, ये खड़े होने का टाइम है, बैक करो टीम को। यही पाकिस्तान टीम ट्रॉफी जीत रही थी, यही पाकिस्तान टीम 92 में जीती थी, 2009 का टी20 वर्ल्ड कप जीती, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, इसने इंडिया को 2021 में दुबई में हराया था, इंडिया को 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी में हराया था, 2012 में इंडिया की सरजमीन पर, धरती पर हराया था बायलैटरल सीरीज में। कहां थे आप लोग? एशिया कप में अफरीदी ने 2 छक्के मारे अश्विन को और पाकिस्तान जीता। इंडिया के खिलाफ इतनी फतूहत है हमारी, क्यों भूल रहे हो? ओवरऑल रिकॉर्ड हमारा टेस्ट मैचेस, वन डेज में बेहतर है इंडिया से, क्यों भूल रहे हो? क्यों इस वर्ल्ड कप की हार को आखिरी दिन समझो दुनिया का? बहुत अभी भी मार के बाकी है, बहुत ज्यादा मैचेस पाकिस्तान के लिए आने इस वर्ल्ड कप में, जीतेंगे, साथ खड़े होंगे। माफी मांगे बाबर आजम के वालिद साहब से, जहां पर मांग सकते अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर कमेंट करके माफी मांगे नीचे, उनको अकाउंट उनका वापस चाहिए, वो वापस आए, हमारी हिम्मत बने, वो बुजुर्ग है हमारे, बड़े हैं हमारे, उनके साथ ये ना करें। कमेंट करके बताएं।